सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार अगर आप अपने पास अगर आपके पास कोई रैम है, अगर आप उसे ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो उसे ओवरक्लॉक करने का प्रॉपर तरीका क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार एक ओवरक्लॉकिंग या सेफ ओवरक्लॉकिंग कैसे की जाए। ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल आप मैन्युअली जो ऑटोमेटिक जो आप रैम को ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हैं, लाइक आपको बायोस अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल रैम ओवरक्लॉकिंग के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद जो आने वाले इस वीडियो का पार्ट सेकंड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक नूब से नूब बंदा भी अपने रैम को एक प्रॉपर तरीके से ओवरक्लॉक कैसे कर सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि बेसिक आप रैम ओवरक्लॉक कैसे कर सकें। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बात होती है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आप लोग का भी इंटरेस्ट पीसी रिलेटेड कंटेंट्स और गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस मैं आप सबको अपने बायोस की तरफ ले जाऊंगा। तो बायोस की तरफ से जो आप सिंपल इजी स्टेप्स है वो आप देख के अपने रैम को एक मतलब जो कंपनी की तरफ से एक ऑप्शन आते हैं ओवरक्लॉकिंग के, उससे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। वो आप मतलब जो डिफॉल्ट ओवरक्लॉकिंग के जो ऑप्शन आते हैं डिफॉल्ट ओवरक्लॉकिंग ऑप्शन से उससे आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। वो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू भी नहीं आएगा। जो कंपनी की सेटिंग्स है उससे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें आपको बताऊंगा कि आप मैन्युअली अगर आप अपने रैम की जो टाइमिंग्स हैं वगैरह इन सबको चेंज करके आप कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो दोनों ओवरक्लॉकिंग में फर्क तो नहीं है, मतलब आप उसमें है कि आप एक लिमिट तक ओवरक्लॉक कर सकते हो कंपनी से, और जो आप विदाउट कंपनी मतलब जैसे एक तो कंपनी टाइमिंग सेट करके दे रही है और अगर आप खुद टाइमिंग वगैरह सेट कर रहे हो रैम की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखिए और इससे अपने रैम आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अब हम बायोस की तरफ चलते हैं। सो गाइस मैं इस वक्त अपने बायोस पे आ चुका हूं। तो मेरा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, तो मेरे को गीगाबाइट का मदरबोर्ड ऐसा कुछ खुलेगा। कैमरा फोकस नहीं कर रहा, फोकस कर रहा है। आपने क्या करना है, इजीली आपने रैम ओवरक्लॉक करने के लिए मेरे पास कोर्सियर की वेंजेंस प्रो आरजीबी 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, जो कि पहले से आती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे आती है स्टॉक से। अब हमें इसको क्या करना है, ओवरक्लॉक करना है 3000, मतलब ओवरक्लॉक तो क्या इसकी जो कंपनी जो बोलती है जिस फ्रीक्वेंसी में हमें रन करना है 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो आपने क्या करना है, आपने ईजिली जाना है मैम एडवांस मेमोरी सेटिंग्स पे। देन उसके बाद ये जो है ये मैंने प्रोफाइल बन किया हुआ है जो कंपनी देती है एक और प्रोफाइल करके, वो भी इससे आपको XMP जो है एक मिनट हम ये रहा। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आपको दो चीज़ मिलती है। सबसे पहले आप जो XMP है वो आपको डिसेबल होगा। मैंने इसको मैंने अपनी रैम को मैन्युअली ओवरक्लॉक किया हुआ है इसलिए अभी 3000 मेगाहर्ट्ज दिखा रही है। बाकी ये जो स्टॉक आपको देखने को मिलेगी 2133 मेगाहर्ट्ज पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने क्या इसको मैन्युअली ओवरक्लॉक किया हुआ है। तो अब इसको आपने क्या करना है, आपने इजी अगर आपको नहीं कोई छेड़ने की ज़्यादा है नहीं, आपको अगर मन नहीं है ज़्यादा छेड़ने का, तो आपने XMP प्रोफाइल एनेबल करके इसको प्रोफाइल वन पे डाल देना है। जो कंपनी वाले जो ऑटोमेटिक आपको एक प्रोफाइल देते हैं ओवरक्लॉक करने के लिए, आप उसे डाल दीजिए और आप इजीली उसको सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप मैन्युअली चाहते तो मैन्युअली भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। रैम को लगा आपको मैन्युअली ओवरक्लॉक कैसे करना है, मेमोरी सेटिंग्स पे जाना है, देन मेमोरी सिस्टम मेमोरी मल्टीप्लायर पे जाके आपको ऊपर नीचे इसको बढ़ा उसकी वैल्यू बढ़ानी। मेरा पेज डाउन से बढ़ता है, आप अपना देख सकते हैं, पेज डाउन से मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि ये कर रहा हूँ, ये 2933 मेगाहर्ट्ज पे हो गई, ये देखो हो गई है। तो इसे आपको ऐसे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो XMP है मैंने डिसेबल कर दिया और ये XMP जो है मैंने एनेबल कर दिया, तो इससे मेरी जो फ्रेम की फ्रीक्वेंसी है लेटेंसी वगैरह सब चेंज हो गई। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं इजी मेरी बात मानिएगा तो आप इजीली XMP प्रोफाइल से कीजिएगा, ये आपको इजी पड़ेगा और ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या स्टेप्स है। इजी स्टेप्स से आप इजीली अपनी जो कंपनी की सेटिंग्स है उससे आप रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। आप मैंने चाहूंगा इसमें से आपको अदर सेटिंग्स छेड़े, क्योंकि बायोस एक ऐसी चीज़ें अगर आप उसे छेड़ देते हैं अगर वो खराब हो जाती है तो फिर आपके लिए बहुत गंदी चीज़ हो जाएगी। बस और कोई सेटिंग्स मत छेड़िएगा आप। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज़।